आज काफ़ी दिनों बाद फिर से वही ठंडी के मौसम में हम कुछ दोस्त मिलके एक ट्रिप का वो क्या है प्लान किया है। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं वो दोस्त लोग कब आएंगे। इसके ही फिराक में जैसे वो लोग आएंगे हम यहाँ से निकलेंगे काकोश जाना के लिए। वो हमने सुना है, काफ़ी लोगों ने बोला है हम लोगों को कि वो जगह बहुत ही अच्छी जगह है। और आशा करते हैं हम कि आप लोग हमारे इस ट्रिप में आखिर तक बने रहेंगे, काफी जना के जो जगह है उस जगह का लुत्फ उठाने के लिए। So guys, we have finally arrived at the Kakojana Wildlife Reserve, where we can find out the most endangered golden langur. So we are starting our journey right from here and going to see the habitat of golden langur, as well as there is a beautiful stream, or you can say a waterfall, right in the middle of the jungle. So let's go towards this beauty. एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया स्पेशली लंगूरों के लिए है, तो उनका हैबिटेट जो है ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए यहाँ पे कोई गाड़ी का आना जाना नहीं है। ब्रिज है, ये लकड़ियों का बना हुआ है शायद, हाँ सर, और ये सीमेंट का नहीं है, कंक्रीट का नहीं है, ये लकड़ियों का ब्रिज है। ये सब ब्रिज आपको ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया में ही देखने को मिलेगा। आसाम है, आसाम में भी बैम्बू का और लकड़ियों का, इन सब ब्रिजों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है गाँव एरिया में, ठीक है। तो आगे भी आपको ऐसे ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगे जो आप कभी नहीं देखे होंगे अगर कोई आप बाहर स्टेट में रह रहे हैं तो, ठीक है। वैसे हमने ऑलरेडी एक लंगूर देख लिया है, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा दूर से देखा था हमने, वो कलर थोड़ा अलग लग रहा था। जो हम देखने आए थे वो शायद वो लंगूर वो नहीं है, तो आगे हम बने रहिए, क्या पता दिख जाए। तक आके हमें पता चला कि यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ऑलरेडी तैयार है अपने जो खाना खाने के लिए आए हैं, जो पिकनिक के मतलब इरादे से आए हैं, वो लोग ऑलरेडी यहाँ पे तैयार कर अपने खाने खाना पीना जो भी है ये सामान को एक जगह रख के वहाँ पे पकाना शुरू हो गया है। और जो लोग आए हैं उस नज़ारे का लुत्फ उठाने, वो लोग ऑलरेडी पहाड़ी की तरफ चल दिए हैं, ठीक है। और हम सोच रहे, हम तो इतने सामान वामान लेके नहीं आए, इतना बड़ा हमारा आइडिया नहीं था, तो जो भी है
हम कोशिश करेंगे कि आगे और चलते रहेंगे, मतलब बने रहें हमारे साथ। देखिए जहाँ तक आपकी गांव का सवाल है, गांव की बात है, ये काफ़ी जब मैं रास्ते में था, जब रोड से आ रहा था, तभी से यहाँ पर ये जगह ऊंचा है ना, तो वहाँ दिखता है, ये अच्छा विजुअल आता है वहाँ से भी। लेकिन यहाँ का पहाड़ ऐसा लग रहा है एकदम जंगली जंगल कहीं पे तिनका बराबर की मतलब गैप नहीं है, अच्छा लगा। इसलिए माहौल ठंडा है। और गाँव के बारे में हमने एक्चुअली हम यहाँ पे वो जो गोल्डन कलर का बंदर मिलता है ना, वो हम देखने के इरादे से आए हैं। तो ऑलरेडी हमने बाहर जब यहाँ पे एंटर करने से पहले एक बंदर देखा था, उसका पूछ बहुत लंबा था, तो मुझे लगा कि वही बंदर शायद वो, लेकिन उसका कलर लिटिल बिट उसका कलर थोड़ा वो था। हाँ, उसका सीजन में हाँ चेंज होते हैं, बंदर भी अपना रंग बदलता रहता है। बहुत सालों बाद बच्चों वाला फीलिंग आ रहा है, ऐसे कहते थे आज बहुत दिनों बाद झूला झूलने को मिला है, मजा ही मजा। Now we are going to the waterfall. We have heard that the waterfall is very beautiful. So let's go in this way and then we will go towards the hills where we will find the waterfall. It's nearly about a kilometer from here. So let's stay tuned. जैसे कि हमने बताया था आपको, जब हमें एक लकड़ी का पुल मिला था, तो हमने बोल कर रखा था कि यहाँ पे ये आसाम है, ये नॉर्थ ईस्ट में आता है, और यहाँ आपको लकड़ियों के साथ बैम्बू का भी ब्रिज मिलेगा। आप देखिए बैम्बू का ब्रिज आता है, बता दीजिए। संतरे का पेड़ मैम, हमको तो जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है ये कौन सा पेड़ है तो हमको बता दीजिए। संतरे का ही है। अच्छा, फल लगा नहीं है। फल तो लगा नहीं है, तो हम उतने मतलब जानकार है नहीं पेड़ पौधे के बारे में हमारे। अच्छा, ये कैसे?
अरे हम करेंगे रुकिए सर, आप लोगों को हम एक चीज दिखाएंगे जो यहाँ पे मशहूर है, कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को सही तरीके से दिखा पाए। लेकिन ये तो हो ही नहीं पा रहा है हमसे, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। हम बचपन में इससे खेलते थे। अरे सर हमारे तरफ थोड़ा देखिए, ये देखिए देखिए सर, होगा होगा जरूर होगा। अरे 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 हाँ रुके रुके सर, एक मौका फिर से दीजिए हमको। अरे ये पूरा जगत बहुत सुंदर दिखता है। अरे वाह, उसी के बारे में यहाँ लिखा है। मतलब इसका कोई मतलब मतलब थक गए हैं आते आते, ठीक है पहाड़ी का रास्ता था, आपको पता ही है पहाड़ी का रास्ता चलने में कैसा है। हाँ ये संभाल के ना, लेकिन जो जगह है काफी देखने लायक जगह है, काफी मजा आ रहा है। देखिए पत्थरी पत्थर है, बहुत पत्थरों की जैसी लग रहा है। मतलब इसमें एक बात याद आ गई, हमें सबर का फल मीठा होता है। As you can see, we are now at the waterfall. The waterfall that we have been searching for nearly half an hour. We have been walking through the jungles, and in the middle of the jungle, we have found this pleasant place, the waterfall. As you can see, the waters are rushing and it's flowing. The sound is very much pleasant to hear. The place is very relaxing. आप कुछ बताइए अपने ब्लॉगिंग के बारे में, आप कैसे इस फील्ड में आप बहुत दिन से है कार्य कर रहे हैं, तो आपको मतलब मैं नया तो नया हूँ, मुझे तो पता नहीं इस बात की। मुझे नए नए जगह पे जाना अच्छा लगता है। हाँ। और जो चीज मतलब अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है उसको हाँ। एक्सप्लोर करना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये जो काकोई जाना है, बहुत सारे लोगों के लिए अननोन प्लेस है अभी भी,
लेकिन ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, बहुत ही सुंदर जगह है। काफी टाइम हो गया यहाँ पे, पसीना पसीना हो गया थोड़ा। मैं सोच रहा हूँ मुंह धो लूँ, यहाँ पे ठंडे की पानी है, नेचुरल पानी है, इससे अगर मुंह धोऊंगा क्या पता स्किन का कोई काम में आ जाए। ठीक है, थोड़ा बैग वैग रख लेता हूँ, आप जो भी है इस बैग का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, हमारा सारा सामान यहीं पे है। चलिए, कर रहा है कि नहा लूँ, पर वैसे भी थोड़ा थोड़ा खांसी है तो अब नहाऊँगा तो। ये बहुत ही ठंडा पानी है, आप लोग पता ही है ठंडे की पानी वैसे भी ठंडी होती है थोड़ा, तो अभी नहाने से बहुत महंगा पड़ेगा मेरे बॉडी के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने गोल्डन लंगूर है। ये दुनिया के कुछ ऐसे जीवों में से है जो अक्सर नहीं मिलते हैं, तो पाए नहीं जाते हैं, बहुत दुर्लभ है। तो आप देख सकते हैं ठीक हमारे सर के ऊपर गोल्डन लंगूर है, फल खा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका पूंछ कितना लंबा है, आप पूंछ की लंबाई देख सकते हैं। तो ये बहुत दुर्लभ दृश्य है गोल्डन लंगूर मिलना। देख सकते हैं पैर से अभी एक टहनी से दूसरे टहनी की ओर जा रहे हैं और फल खा रहे हैं। ये अक्सर जैसा कि हमने तो उम्मीद छोड़ ही दिया था कि हम शायद आप लोगों को वो गोल्डन कलर का सुंदर हम दिखा नहीं पाएंगे लंगूर के लिए, तो लेकिन अभी अभी अचानक से पता नहीं कहाँ से एक लंगूर का झुंड आया गोल्डन कलर का। ठीक है, यहाँ पे आके मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 बंदर है, उसमें से दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप लोग एकदम स्पष्ट देख सकते हैं, थोड़ा जूम करिए, दिखाइए थोड़ा दर्शकों को। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़े आप लोगों की मदद से। ठीक है, हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेकर आएंगे, नए नए चीज़ें आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ठीक है, जानने को मिलेंगे।